सबको साथ लेकर चलना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर कहीं चले गए हों और हम पीछे रह गए हों। एवरी टाइम एंड एट द सेम टाइम आई फील सो स्मॉल कि हर वक्त हुजूर को ही रुकना पड़ा और हम ही लेट थे। बाबा जी ब्लेस अस ऑल दैट द विजन यू हैव द विजन यू शेयर्ड विद अस यूथ वी नो हाउ मेनी सैक्रीफाइसेस ऑल द सेंट्स हैव गिवन टू ब्रिंग आर मिशन सो फार। आज इतना बड़ा परिवार बन गया है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन आर शोल्डर्स कि हम भी वो सैक्रीफाइसेस हम भी वो सेवाएं कर पाएं जैसे उन महापुरुषों ने करी। मुझे एक रोल मिला है बस। आई एम नॉट द डायरेक्टर, डायरेक्टर इज गॉड। इज जस्ट गिवन मी दिस रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड। मैं सिर्फ वो रोल अदा करूं और वो अगर मेरा गुरु मेरे पास एक लॉर्ड मास्टर है मुझे बता रहा है कि वो रोल ऐसे प्ले करना है। डायरेक्टर बताता है, हमें ब्रीफिंग देता है कि मैं इस कैरेक्टर से ये चाहता हूँ। मैं सिर्फ वो रोल अदा करूँ। कि अगर रिश्ता कायम करने से ही प्यार उमड़ेगा तो रिश्ता कैसे कायम करूं? अब सब पर सबके पास जाऊं, हर एक इंसान के पास जाकर रिश्ता कैसे कायम करूं? जो मुझसे रोज मिलता है, मेरा पड़ोसी, मेरा कलीग, सबसे कैसे रिश्ता कायम करूं? तो कन्वीनियंस ये है, किसी ऐसे से रिश्ता कायम कर लेता हूं, किसी ऐसे शख्स से, किसी ऐसी शक्ति से जिसका रिश्ता सबके साथ हो। वो जवाब हम जानते हैं, सदगुरु से। इनसे रिश्ता कायम करते हैं, ये नंकार का हमारे साथ रिश्ता कायम करते हैं, सब अपने हो जाते हैं। तेरी होकर सब दुनिया भी मेरी हो गई, अपनी चीज को नुकसान भला कोई कैसे पहुंचाए। खुदगर्जियों की भीड़ से चल, निकल के चल, तकती हैं तुझको रहमतें। चल निकल के चल, और क्या मांगू, हमें आप जी की शिक्षाएं, आपके वचन याद रहेंगे तो और कोई चीज मांगने की रही नहीं जाती। बख्शिश करो कि मन में मांग भी ना आए कि मैं मांग लूं जो आपने नवाजा है उसको, उसका सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजार रहूं। और ह्यूमिलिटी हम्बलनेस हमेशा ही जीवन में बरकरार रहे, जैसा जीवन आप चाहते हो सबका जीवन ऐसा बन जाए। उनका किरदार ही ऐसा था कि एकदम वो गुस्से की डेफिनेशन को लाइफ में उतारा हुआ था पूरा अभिनेत्री ने। और हालांकि सिर्फ मुझे एज अ वाइफ तो सिर्फ 11 महीने मिले उनके साथ, जो उनको इतने क्लोजली देख पाई मैं, पर तब भी उसमें एक एक पल पे ऐसे समझ में आता था, जिस तरह वो अपनी बातें भी समझाते थे, कि उनके लिए 24 घंटे सिर्फ निरंकार की बातें, गुरमत की राह पे चलने वाली शिक्षाएँ और उसी तरह पे ही उनका हमेशा ट्रैक रहता था। दुनियावी रूप में तो अवनीत जी वैसे सन इन लॉ थे बाबू जी के, पर उन्होंने कभी भी ना वो हक खुद रखा और उसको कभी भी शो भी नहीं होने देते थे, अंदर से फील भी नहीं करते थे। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि मैं सिर्फ इनके दर का एक दास हूँ, और अगर इनके साथ एक कमरे में भी खड़े होने का भाग्य मिल रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी ना खड़ा हो जाऊँ कि बहुत ही कैजुअल रहूँ, मुझे वो भय होना चाहिए हमेशा। और जब तक सदगुरु अगर सामने है तो एक एक वर्ड को भी वो तोल कर ही मुंह से बाहर निकालते थे। और वो सिर्फ सदगुरु के सामने होने की बात नहीं है, जब वो नहीं भी होते थे सामने तो भी बोलते थे कि निरंकार रूप में हमेशा हाजिर हैं। तो एक एक चीज जो भी वो करते थे या बोलते थे वो पहले इतना एनालाइज करके कि एक एक शब्द मेरी एक गुरमत के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए। अपनी जी ने इतना कुछ जो छोटे ही समय में जितना शेयर किया है लाइफ मैंने उनके साथ, उसने इतना कुछ सिखा दिया कि अभी एट एवरी पॉइंट इन माय लाइफ इफ आई जस्ट इम्प्लाई ऑल दीज लर्निंग्स दैट ही टॉट मी, आप जी ब्लेस करो दैट आई कैन मेक हिम प्राउड ऑलवेज। इसने कहा नहीं मैं समझा नहीं, हुई जो बात हंसने हंसाने में, हुआ गुस्ताख मैं आखिर इसके सब्र को आजमाने में, इसे तो आती ही नहीं पर्दे उठाने की अदा, सब गुनाह मेरे छुपाता है मुस्कुराने में। जैसे अभी भी आपने अभिनीत को सुना, उसी सादगी और सहजता के साथ, केवल कृतज्ञता का भाव, केवल साथ संगत की चरण रज, केवल विनम्रता का